क्वेश्चन नंबर 101, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + ax, ठीक है, एंड इसकी पावर है n, द फर्स्ट थ्री टर्म्स आर रिस्पेक्टिवली 1, 12x एंड 64 × x². सो व्हाट इज n इक्वल टू? देखो हमें गिवन है कि इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा 1 एंड सेकंड 12x एंड थर्ड 64 × x², तो हमें बताना कि n इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास है, देखो ये अपने पास 1 + ax^n, ठीक है। सो इसके इसका एक्सपेंशन क्या होगा? इसका एक्सपेंशन होगा nc0, ठीक है, प्लस nc1 × ax प्लस nc2 × a²x², ठीक है। तो इसमें बोला है कि nc0 इक्वल टू क्या है? 1, ठीक है, एंड दिस nc1 × ax कितना है? 12x, ठीक है। तो इसे रख लेते हैं, nc1 × ax = 12x, ठीक है। तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा एंड nc1 होता है अपने पास n, तो ये आ जाएगा n × a = 12, ठीक है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं a = 12/n। नाउ और हमारे पास इसका थर्ड टर्म क्या गिवन है? nc2 × a²x² = 64 × x², ठीक है। सो x² से x² कैंसिल हो जाएगा एंड nc2 होता है अपने पास n × n-1/2 एंड × a². सो a की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 144/n², ठीक है। जब इससे एक एन से ये कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू है 64, ठीक है। सो एंड 2 से 144 कैंसिल करेंगे सो वी गेट 72, ठीक है। हाँ हमारे पास क्या बचा है इधर? n-1/n इक्वल टू इस 72 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 64/72। नाउ देखो ये अपने पास है सो इसे हम कैंसिल आउट करेंगे, सो ये 8 9 होता है अपने पास 72 एंड 8 8 64, ठीक है। सो ये आ जाएगा 8/9, सो हियर वी गेट n-1/n = 8/9। तो सिंपली हम देख सकते हैं ये क्या यहाँ पे n इक्वल टू क्या रहा होगा? 9, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? 9। देखो ये n इक्वल टू 9 होगा तभी तो 9-1 कितना होगा? 8, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।